टोक्यो के खिलाड़ी सीजन 12 से फैसू का हुआ टेलीविजन पर डेब्यू और इस डेब्यू के साथ ही उन्होंने सबका दिल जीत लिया। फैसू का परफॉर्मेंस और उनका नेचर सबको पसंद आया, फिर चाहे वो शो के होस्ट हो, कंटेस्टेंट हो, गेस्ट हो या फिर ऑडियंस, फैसू सबके फेवरेट बन चुके हैं और इसके पीछे रीजन है शो को लेकर उनका डेडिकेशन। फिर जैसा कि हमने देखा कि कोकोनट वाले स्टंट में फैसू को चोट लगने के बाद भी उन्होंने स्टंट को क्विट नहीं किया और वो कंटिन्यू करते रहे उस स्टंट को। और जब फैसू उस स्टंट को कंटिन्यू कर रहे थे तो इस चीज से सब कोई हैरान थे, इवन रोहित शेट्टी भी शॉक थे। फिल्म रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शेट्टी फैसू के परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है और उन्होंने कर दिया फैसू को इनके साथ फिल्म करने का ऑफर। फिल्म अगर सब कुछ ठीक रहा तो सोशल मीडिया के बाद फैसू नजर आए टेलीविजन पर और टेलीविजन के बाद वो दिख सकते हैं बिग स्क्रीन पर। फिर आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।